तो देखिए, मैंने हाल ही में एक फिल्म का रिव्यू किया था जिसका नाम था द फ्री गाय, जिसके रिव्यू का लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा रेडी प्लेयर वन या फिर ट्रोन लेगेसी या फिर जुमानजी सीरीज और या फिर बॉलीवुड की रामा द सीवीर, पता नहीं आप में से कितनों ने इस फिल्म को देखा भी होगा या फिर नहीं, जो कि ट्रोन लेगेसी के आसपास ही रिलीज हुई थी। पर पता नहीं बॉलीवुड में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म को उतना अप्रिशिएशन क्यों नहीं मिला, लोगों ने इस फिल्म को क्यों नहीं देखा, जबकि ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी तगड़ी फिल्म थी। और मुझे मतलब समझ में नहीं आता है कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्मों को अप्रिशिएट क्यों नहीं किया जाता, या तो बॉलीवुड में कोई परेशानी है या तो ऑडियंस में कोई परेशानी है, दोनों में से कोई एक तो ज़रूर होगा ही होगा, क्योंकि कोशिशें कहीं ना कहीं बॉलीवुड से कोई ना कोई करता ही करता है, पर शायद ऑडियंस की ही गड़बड़ी है, यानी ऑडियंस में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है कि अच्छी फिल्में रिलीज तो होती हैं पर कोई देखने नहीं जाता, या तो अप्रिशिएशन मिलता ही नहीं है, तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा लोग देखेंगे ही क्यों। जबकि मुझे ये फिल्म यानी कि रामा द सेवियर बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, और मुझे उस वक्त जब मैंने इस फिल्म को देखा था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तगड़ी और धांसू फिल्म लगी थी। पर खैर, इसके बारे में ज़्यादा बात करके आप कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जितने भी फिल्मों का मैंने अभी यहाँ पर नाम लिया है, इन सब में क्या कॉमन है कि ये सभी जो फिल्में हैं ये वीडियो गेम्स पर बेस्ड हैं। हालांकि ट्रोन लेगेसी का लेवल कुछ अलग ही है, वो मैं यहाँ पर क्या ही बोलूँगा उस फिल्म के बारे में। पर अभी अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ, वेलकम टू GX द इंटरगैलेक्टिक एडवेंचर्स ऑफ मैक्स क्लाउड, तो देखिए यहाँ पर इस फिल्म की कहानी है एक लड़की की जो कि वीडियो गेम खेल रही होती है, और अचानक से होता है चमत्कार, और आगे क्या चमत्कार होता है वो तो आप मूवी में देखिएगा, ज़्यादा पता कर मैं आपका यहाँ पर सस्पेंस या फिर मज़ा क्यों खराब करूँ, ठीक है, स्पॉयलर्स देना ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पर जब मैं इस मूवी को देख रहा था तो मुझे शुरुआत में लगा कि यह शायद ठीक ठाक सी मूवी होगी, पर जैसे जैसे ये फिल्म आगे बढ़ती चली गई ये तो नेक्स्ट लेवल की फिल्म निकल आई। सच कहूँ तो फिल्म देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मज़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बार बार जब रियल लाइफ और वीडियो गेम में जिस तरीके से स्विच करता हुआ हमें दिखाया गया है, यानी कि वीडियो गेम से रियल लाइफ में, रियल लाइफ से वीडियो गेम में जिस तरीके का कनेक्शन हमें दिखाया गया, और जिस तरीके से जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और जिस तरीके से हमें एक फील दिया गया है कि सच में ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं, जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, उससे आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर जाओगे। आपको भी एकदम मूवी को जब आप देखते हो तो एकदम वीडियो गेम वाली ही फीलिंग आती है, लगता है कि जैसे हम सब जब वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं तो वीडियो गेम्स को खेलते हुए कैसे हम लोग उसके अंदर घुस जाते हैं, फील करने लगते हैं, जबकि कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जब हम मूवी को देखते हैं तो हर एक चीज़ को फील करते हैं, चाहे दर्द हो, तकलीफ हो, या फिर हम उड़ रहे होते हैं, या फिर बाकी सारी भी चीज़ें उसको फील करते हैं। अगर कुछ बहुत ही इंटेंस चीज़ें होती हैं तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, अगर कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा होता है तो हमें भी अंदर से खुशी का एहसास होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो वीडियो गेम्स हैं ये सिर्फ वीडियो गेम्स नहीं हैं, हम जब वीडियो गेम्स खेलते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें डीप में चले जाते हैं और उसको जिस तरीके से फील करते हैं तो इस मूवी में भी कुछ वैसे ही फीलिंग्स हमें दिखाई गई हैं। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये फिल्म का मुझे प्लस पॉइंट लगा, और जिस तरीके से यहाँ पर स्टोरी हमें देखने को मिलती है इस फिल्म में वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जिस तरीके से एक वीडियो गेम में आप देखते हो, अगर आपने वीडियो गेम्स वगैरह वगैरह खेले हुए हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि काफ़ी सारे वीडियो गेम्स में स्टोरीज वगैरह होती हैं, जिस तरीके से स्टोरीज के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर इसके अलावा जो एक्शन से या फिर बहुत सारी चीज़ें या मुसीबत आती चली जाती हैं, आपको उससे मतलब डील करना होता है और आपको उससे ओवरकम करना होता है, तो यहाँ पर भी इस वीडियो गेम में उन सारी चीज़ों को दिखाया गया है प्रॉपरली, तो ये भी मुझे इसका प्लस पॉइंट लगा। तो मतलब आपको एकदम एक वीडियो गेम वाली फीलिंग आएगी इस मूवी में, जो कि हमें इस फिल्म में काफ़ी तगड़ा और बढ़िया तरीके से दिखाया गया है, यानी कि रियल लाइफ और एक वीडियो गेम को यहाँ पर कंबाइन किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जिस तरीके से एक वीडियो गेम की फील हमें देने की कोशिश की गई है, जैसा कि कंप्यूटर्स वगैरह पे लोग वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टोरी है यानी कि जो प्लॉट है उसको 90s
के ऊपर रखा गया है, तो ये भी मुझे और भी ज़्यादा बढ़िया लगा कि उस टाइम के जो वीडियो गेम्स आते थे, जिस तरीके से उस ज़माने को यहाँ पर सेट किया गया है और उसके अकॉर्डिंग जो हमें स्टोरी दिखाई गई है या फिर जिस तरीके से वीडियो गेम्स दिखाए गए हैं, और उसके अलावा जो वीडियो गेम्स की दुनिया है या फिर जो रियल लाइफ की दुनिया है जब आपस में जिस तरीके से कनेक्ट होती है, उसके बाद जो आगे कंटिन्यू जो हमें कहानी दिखाई गई है, वो कहीं ना कहीं उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और जो वीडियो गेम्स खेलने के मतलब शौकीन है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने लोग हैं, हालांकि अगर आप हो तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप हो या नहीं, आप वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हो या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर खेलते हो तो कौन सा गेम आपका फेवरेट है, बस पबजी मत बोल देना या वो BGMI मत बोल देना, वो तो सभी खेल रहे हैं, कुछ अलग उससे हटकर कुछ खेलते हो कि नहीं, कि बस जो भीड़ में दौड़ रहे हैं आप भी उसी भीड़ में जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो जो फील हमें देती है ये मूवी, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और एक वीडियो गेम पर बेस्ड मूवीज में आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? और इसके अलावा आपको कमाल की स्टोरी तो इस मूवी में देखने को मिलती ही मिलती है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, हालांकि मुझे पता नहीं कितनों लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी या नहीं, पर मुझे पर्सनली ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और मुझे लगता है कि एक अच्छी वीडियो गेम पर बेस्ड फिल्म है। और ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स तो आपको दे ही दिए हैं, तो उससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हो। बाकी ये फिल्म मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखना। और ये जो फिल्म है एक अच्छी फिल्म है, काफ़ी ज़्यादा कमाल की फिल्म है, जिसको आप पूरे फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, और बच्चों से लेकर बड़े तक सभी इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है, तो फिर देर किस बात की, जाइए और जाकर इस फिल्म को इंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाद में बोलना, पहले मूवी को देखो और उसका मजा लो। बाकी जाने से पहले छोटी से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि देखना न देखना वो तो आपकी मर्जी है। जोहार।